हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको डिपार्टमेंट सेकंड ईयर फार्मास्यूटिकल जूरिसप्रूडेंस में फोर्थ चैप्टर जो है उसका फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट करा रहे हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का एनरोलमेंट का। इसमें आते हैं नेक्स्ट ड्रग इंस्पेक्टर। ये जो ड्रग इंस्पेक्टर है, ये तो आपने आम कॉमन सुना होगा नाम, काफी लोग इस नाम से परिचित होंगे। इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है और जो पावर्स होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, इंस्पेक्शन ऑफ ए प्रीमाइसेस ऑफ ए लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ड्रग लाइसेंस वगैरह, यानी जो भी ड्रग इंस्पेक्टर करता है उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में श्योरली आ जाता है, तो इसको आप ध्यान से जरा अच्छी तरह से पढ़ना है। ड्रग इंस्पेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अपॉइंट करती है इस पर्सन को, ड्रग इंस्पेक्टर को, तो डिफरेंट एरिया के लिए अलग अलग एरिया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेपरेट सेपरेट है उसके लिए करती है। उसके बाद इसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए पैसे में इस पर्सन का। उसमें बाद इम्पोर्ट मैनुफैक्चरिंग और सेल ऑफ ड्रग अक्रॉस वगैरह में कहीं भी इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ताकि ये अपने पावर का मिस यूज ना करे। पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है इसे। पब्लिक सर्वेंट के बाद ये जो है सेक्शन 81 के अधीन आता है ड्रग इंस्पेक्टर। 81 के अधीन इसकी जो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब डिफरेंट क्वालिफिकेशन फॉर द इंस्पेक्टर फॉर डिफरेंट पर्पज। डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन है इसकी। ये जो इंडस्ट्री के लिए इंस्पेक्टर होता है उसकी सेपरेट होती है, और जो आम कॉमन इंस्पेक्टर होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर उसकी सेपरेट क्वालिफिकेशन होती है। ये गवर्नमेंट गजट में प्रस्ताव की जाती है, ए पर्सन कैन टू बी अपॉइंटेड एज ए ड्रग इंस्पेक्टर मस्ट पजेसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। उसके बाद डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, जिसे बीकॉम कहते हैं, और जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आर ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री विद फार्मास्यूटिक्स एज ए स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए उसका। और ये जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा ग्रांटेड बाई फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और थर्ड वन ए ग्रेजुएट इन ए मेडिसिन, मेडिसिन में भी होना चाहिए, या साइंस ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग एट लीस्ट वन ईयर ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन ए लेबोरेटरी अंडर द केमिकल एग्जामिनेशन। ये जो केमिकल एग्जामिनेशन वगैरह की जाती है, टेस्टिंग वगैरह, उसमें उसके पास डिग्री डिप्लोमा या ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस तरह से ये जो पर्सन अपॉइंट होते हैं इनको शेड्यूल सी में भी इन्होंने 18 महीने का काम किया होना चाहिए कम से कम, जिसमें इंजेक्शन वगैरह बनते हैं। और ये इसकी क्वालिफिकेशन आ गई। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर हुआ गेन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर इन द इंस्पेक्शन ऑफ द फॉर्म मैनुफैक्चरिंग एनी ऑफ द ड्रग स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल सी। ये जो शेड्यूल सी में जो स्पेसिफाइड ड्रग्स है उसमें ड्रग इंस्पेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स में। उसके बाद जो पावर्स होती हैं अंडर द सेक्शन ऑफ 22 ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर हैज बीन असाइंड विद द फॉलोइंग पावर्स। उसके बाद काफी पावर्स होती हैं, तो किसी भी दुकान या ड्रग वाले कॉस्मेटिक में जहां पे सेल हो रही है या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां जा सकता है, कि टेस्टिंग कर सकते सैंपल ले सकता है, और किसी भी कंप्लेंट रिटन कंप्लेंट को आगे उसको कार्रवाई कर सकता है कि कहां से कंप्लेंट आई है और कैसे कैसे कोई प्रॉब्लम है वो सब हैंडल करेगा। ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स में आते हैं। उसको जब भी ये जो करना होता है, एग्जामिन करना होता है एनी रिकॉर्ड रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स और एनी मेटीरियल सब्जेक्ट है एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को जब किसी भी जगह जो जहां पे मेडिसिन होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के अंडर रूल में, तो उसको देख सकता है, उसको कोई ना नहीं बोलेगा। उसके बाद सच पावर्स जो है वो अंडर द पर्पज ऑफ द एक्ट आर रूल के अंदर होती है। उसके बाद इसकी ड्यूटीज जो होती हैं, और इंस्पेक्टर की ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज ये होती हैं टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व। जहां पे उसको लाइसेंस दिया गया है मेडिसिन का, या किसी केमिकल शॉप में या मैनुफैक्चरिंग यूनिट में, उसने उसको प्रॉपर देखना है कि प्रॉपर जो अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार वहां पे काम हो रहा है, या प्रॉपर वहां पे स्टॉक है, या प्रॉपर वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ड्रग्स की
अथॉरिटी की वो पूरी फुलफिल है, तो ये सब उसकी ड्यूटीज आ जाती है देखने के लिए। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ ए प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ड्रग्स टू इंस्पेक्ट नॉट लेस देन ट्वाइस ए ईयर ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ ए ड्रग इन हिज अलॉटेड एरिया, जो आपने अलॉटेड एरिया किया जाता है जहाँ दवाइयां बनती हैं वहां पर कम से कम दो बार उसको साल में जाना चाहिए देखने के लिए कि वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं या कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसको सेटिस्फाई होना चाहिए वहां पे। उसके बाद टू टेक सैंपल्स ऑफ ए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेंड देम फॉर द एनालिसिस, वहां से सैंपल उठाएगा, वहां से सैंपल को कलेक्ट करेगा, वहां से वो डिपार्टमेंट में भेजेगा गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास टेस्टिंग के लिए। ये सारे उसकी इंस्पेक्शन की ड्यूटीज है। उसके बाद प्रोसीजर जो क्या है इंस्पेक्टर का, उसको जब भी कुछ करना है तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ड्रग अथॉरिटी कोई भी एक्शन लेने से पहले, वो कहीं पे भी जहाँ ड्रग लाइसेंस किसी को इश्यू किया गया है वहां पे वो संपर्क ले सकता है या कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है तो सीज कर सकता है इसको। उसके बाद अंडर ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक रिसीव क्या इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, उसका एक प्रॉपर फॉर्म होता है वहां पे प्रेस्क्राइब करेगा और वहां से वो दुकानदार से जब भी सैंपल लेगा तो वो कितनी क्वांटिटी में लेनी है कैसे कैसे लेनी है चार तरह से।